हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेनु वेलगम और जेनु वेरम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में आपको समझाएंगे नॉक नीज और बो लेग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जेनु वेलगम, जिसको कि नॉक नीज के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनु वेलगम और जेनु वेरम क्या चीज़ होती है और बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, जेनु वेलगम और जेनु वेरम दोनों ही ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको नीज की डिफॉर्मिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपके घुटने के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जेनु वेलगम और जेनु वेरम का इस्तेमाल किया जाता है। जेनु वेलगम, जिसका मतलब होता है नॉक नीज, और जेनु वेरम, जिसको कि हम बो लेग्स के नाम से भी जानते हैं। जेनु वेलगम के अंदर जो नी का एंगल होता है वो इनवर्ड होता है, जबकि जेनु वेरम के अंदर नी का जो एंगल होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसके लिए एक निमोनिक आप याद कर सकते हैं, जैसे वेलगम, वेलगम जेनु वेलगम के अंदर जो गम आ रहा है उसका मतलब होता है कि नीज चिपके हुए हैं। तो गम से आप ये चिपके होने की माना याद रख सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि नॉक नीज, यानी कि दोनों घुटने जब आप खड़े रहते हैं, जब आप स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं और आपके घुटने आपस में चिपके हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेनु वेलगम या फिर नॉक नीज। अगर आप स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं और आपके घुटने दोनों एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि ज़्यादा दूर हैं, एक बो की फॉर्म बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे जेनु वेरम, जिसको कि बो लेग्स के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों ही कंडीशन में, जेनु वेलगम और जेनु वेरम, इन दोनों ही कंडीशन में पेशेंट के घुटनों के अंदर पेशेंट को दर्द होता है और वॉकिंग के अंदर पेशेंट को दिक्कत आती है, यानी कि चलने के अंदर उसको दिक्कत आती है। दोस्तों, जेनु वेलगम जो है वो जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है और वो ऑटोमेटिकली कई बार करेक्ट भी हो जाता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है। बहुत रेयर केस में ही वो एडल्टहुड तक परसिस्ट करता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जेनु वेलगम का जो है वो प्रेजेंटेशन होता है। जेनु वेरम, इसके कई सारे कारण होते हैं, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन की वजह से, ये किसी ट्रॉमा की वजह से या रिकेट्स की वजह से ये आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेक्स कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया जेनु वेलगम और जेनु वेरम के बीच का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।